तो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की पूरी टीम, देखिए भारी बंदोबस्त यहां पर आपको नजर आ रहा है। 8 बज चुके हैं, सर्वे का काम शुरू हो गया, लेकिन आज पुलिस की तैनाती कल से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक एक कर जवानों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। कल तक जो देखा जाता था ये कि 8 बजे से पहले ही तमाम तैनाती हो जाती थी, बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे, लेकिन अभी भी पुलिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि आज का दिन है ही बहुत अहम। आज सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है और ऊपर से बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसे ही दर्शनार्थी हमारे साथ है। आज भीड़ लोग है, आप लोगों का और सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भीड़ कितनी ज्यादा देखी? भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज काम चलेगा बताया जा रहा है। आज 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है, कोर्ट के आदेश का अनुपालन। आज माना जा रहा है कि 10% ही काम बचा है और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आज जी जो वादी प्रतिवादी पक्ष आवेदन डालेंगे कोर्ट में, अगर आगे पानी में ऊपर भरा हुआ मिला है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले से वो था। विशाल जी, अगर आप आज सुबह नहीं होता, आज लेकिन सब पूर्ण हो जाएगा, आज कोशिश किया जाएगा खत्म। क्या ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो है प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो रेड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज की व्यवस्था की है। प्रशासन के पूरा सहयोग रहा। हमारे साथ विशेष एडवोकेट कमिश्नर लाल सिंह, तो ये आप सुन रहे थे विशाल सिंह को, जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे क्योंकि अजय कुमार मिश्रा के नाम पर ही जो मुस्लिम पक्ष है, प्रतिवादी है, उनको आपत्ति थी और इसी को लेकर वो 8 मई को पहुंच गए थे वाराणसी की कोर्ट, ये मांग करते हुए कि इन कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदल दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने वो मांग तो नहीं मानी, लेकिन 2 और सहायकों को नियुक्त कर दिया, जिसमें एक विशेष कमिश्नर विशाल सिंह को आप सुन भी रहे थे, दूसरे अजय प्रताप सिंह है। तो आज का दिन बहुत अहम है ये जो टीम है उसके लिए, क्योंकि सर्वे का आज आखिरी दिन है। मैं रुक करना चाहूंगी अजय दुबे, मेरे सहयोगी का, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अजय, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन, सर्वे तीसरा आखिरी दिन है, लेकिन आज बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम देखिए, कल से लगभग 2 गुना ज्यादा जो सुरक्षाकर्मी है दिखाई दे रहे हैं बैरिकेटिंग पर, पूरे चाक चौबंद ये सुरक्षाकर्मी, क्योंकि भीड़ ही कुछ ऐसी है। कल धूप बढ़ने के संग ये पूरा गलियारा खाली हो गया था, आज इतनी ज्यादा भीड़ है कि इनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है सुरक्षाकर्मियों के लिए। इन सब बातों के बीच में महत्वपूर्ण ये कि तकरीबन 8:10 पर मुझे सूचना मिली कि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वे को लेकर आज के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे वो था एक तहखाना का छोटा सा हिस्सा, उसके अलावा तालाब और गुंबद की तरफ। तो अभी क्योंकि मौसम अच्छा है, मौसम ठंडा है, इसलिए कोशिश है कि गुंबद से शुरू किया जाए, गुंबद के हिस्से को, क्योंकि छत जो है सबसे पहले तपने लगती है, तो वो जो एक हिस्सा बचा है उस हिस्से को पूरा कर लिया जाए। शुरू हो चुका है सर्वे, आधिकारिक तौर पे कोई ऐसी जो बात है रखकर तो नहीं रहे, लेकिन जो अंदर से सूत्रों से सूचना मिली है वो ये है, सर्वे 8:10 पर शुरू हो गया है। पहले जो हिस्सा है, ऊंचाई पर जो हिस्सा है, उसे सर्वे करने का काम किया जाएगा। अंदर की सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, बाहर आज हलचल बहुत ज्यादा है। हलचल ये कि ये जो आप गलियारा देख रहे हैं, अगर प्रांगण जो है मुख्य कॉरिडोर का, उससे इस गलियारे को जोड़ के गरदौरिया चौक तक देखा जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की ऐसी एक लाइन है जो प्रशासन के लिए आज चुनौती खड़ी करने वाली है। जो इंतजाम है उनको लेकर चुनौती और चैलेंज रहने वाला है, लेकिन मौसम कुछ अच्छा, बाकी दिनों से कुछ सकारात्मक मौसम दिख रहा है, बदरी है, इसके चलते थोड़ी राहत है और जोरदार पुलिसिया इंतजाम है। आइए अब एक बार जरा अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं, बैरिकेटिंग के सामने किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है। आप देखेंगे पुलिसकर्मी हेलमेट पहन के अपनी जो बॉडी कवर है वो लगाकर मौजूद है। कल से आंकड़ा जो है बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हम निखिल जी कैमरा को उठा के ऊपर भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से अंदर की तरफ जो सुरक्षा इंतजाम। हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सुरक्षा इंतजाम ज्यादा है, उसकी 2 बड़ी वजह यह है, एक तो सर्वे आज जारी है, दूसरा आज सोमवार का दिन है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने लोग पहुंचे हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी आज है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच, भारी इंतजाम के बीच सर्वे का काम जो है बिना बाधा के हो सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।